सरोकार समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संबित पात्रा भोपाल स्थित पलाश होटल में राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानवता के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस अवसर पर संबित पात्रा ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आतंकवाद और रोहिंग्या घुसपैठ जैसे विभिन्न प्रकार के संघर्षों से घिरा हुआ है। इन संघर्षों के चलते भारत सहित वैश्विक मानवता में गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं। इन परिस्थितियों में सामाजिक चेतना जागृति के द्वारा निश्चित ही विश्व को विभीषिका से बचाया जा सकता है। आज राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और ओवैसी को छोड़कर सबको लगता है कि रोहिंग्या मुसलमान खतरनाक है। जापानीज आ गए थे बर्मा में, रोहिंग्यानों ने अंग्रेजों का साथ दिया, बुद्धिस्ट जो थे बर्मा में उन्होंने जापानीज का साथ। आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, जापानी हारे, हार गए। उसके बाद रोहिंग्यान को बल मिला क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ थे, उन्होंने अंग्रेजों से डिमांड किया, कि बर्मा का वह क्षेत्र जहां हम बाहुल्यता में रहते हैं, जिसको अराकान कहते हैं, उसको अलग कर दीजिए। ये जहां रहते हैं ना ये जिहादी, उनको अलग कर, कश्मीर में भी अलग कर दीजिए, यहां भी अलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए करके पाकिस्तान भी बनाया, यहां भी बोल रहे थे अलग कर दीजिए। वो नहीं हो पाया, वो अलग नहीं हो पाया, तो वहां इंसर्जेंसी शुरू हुआ, जिहादी तंजीमें बनी। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जिहादी तंजीम जो है उसका नाम ARSA, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है। वर्तमान में, मैं बहुत इतिहास नहीं जा रहा, वर्तमान में ARSA एक ऐसी तंजीम है, जिहादी तंजीम रोहिंग्या की, जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है। और इसका जो मुखिया है, इसका जो अध्यक्ष है, उसका नाम है अताउल्लाह। अताउल्लाह इस ARSA का अध्यक्ष है। और यह अताउल्लाह कहाँ का है? अताउल्लाह कराची का, इसका जन्म कराची में। और जब 2012 में आपको याद होगा बुद्धिस्ट और रोहिंग्यानों के बीच में झड़प हुई थी, उस समय अताउल्लाह जाके सऊदी अरब से करोड़ों खरबों रुपए लेकर आया और जिहाद किस प्रकार बढ़ाना है पूरे म्यांमार और बांग्लादेश क्षेत्र में, उसका परियोजना बना के आया और वही जिहाद आज तक चल रहा है। For more information, log on to www.clips.in.